दोस्तों, क्या हो अगर हम कहें कि कोई शहर सिर्फ एक सीधी लाइन में बसेगा, वहां कोई गाड़ियां नहीं चलेंगी, ना ही कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा और वो शहर पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा। कहीं भी जाने में आपको बहुत ही कम समय लगेगा, यानी वॉकिंग डिस्टेंस पर सारी सुविधाएं होंगी, चाहे वो हॉस्पिटल हो या स्कूल या ग्रोसरी शॉप। सुनने में किसी सपने सा लगता है ना, लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि सऊदी अरब ऐसा शहर बसाने वाला है जो 170 किलोमीटर की लंबाई की एक लाइन में बसेगा। सुनने में काफी अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। लेकिन सऊदी अरब को ये आइडिया आया कैसे और ये द लाइन शहर बसाने का आखिर प्लान क्यों बना, साथ ही साथ इस शहर का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा कि इसे पूरी तरह से इको फ्रेंडली बनाया जा सके, इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे और बताएंगे 170 किलोमीटर लंबे शहर का राज। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सऊदी अरब की सरकार का कहना है कि फ्यूचर के शहर में कार्बन का एमिशन नहीं होगा और शहर में सारी चीजें या जगह एक दूसरे के इतने पास होंगी कि कहीं भी पहुंचने में 20 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। उनके हिसाब से शहर में स्कूल, हेल्थ सेंटर और ग्रीनरी होगी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा और शहर को ऐसा बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पोर्टेंट रोल होगा। साथ ही साथ पूरा शहर क्लीन एनर्जी से ड्रिवन होगा। रोशनी से चमकते बीच, दूर दूर तक फैले रेगिस्तान में लगाए गए अरबों पेड़, बहुत तेज स्पीड से चलने वाली मेट्रो ट्रेन्स, आर्टिफिशियल मून और बिना कारों के 170 किलोमीटर लंबी सीधी रेखा में बसा एक शहर होगा। और ये सारी बातें नियोम प्रोजेक्ट और लाइन सिटी का प्लान बताया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर सऊदी अरब में फ्यूचर की एक इको सिटी बसाए जाने का भी प्लान है। इस शहर में सब कुछ एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये प्लान सक्सेसफुल होगा, क्योंकि पहले भी ऐसे कई देशों ने दुनिया के सामने ऐसे शहरों के प्लान्स रखे जो इको फ्रेंडली होने का दावा तो करते थे, लेकिन शहर बनने के बाद रिजल्ट्स इतने भयानक हैं कि वहाँ एक पौधा भी नहीं उग पाता। खैर, नियोम प्रोजेक्ट आने वाले वक्त का ब्लूप्रिंट होने का दावा कर रहा है। उनके प्लान के मुताबिक उनका कहना है कि बिना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए भी ह्यूमन सिविलाइजेशन भी ग्रोथ कर सकती है। बेसिकली ये क्रूड ऑयल फ्री सऊदी अरब के विजन 2030 का एक हिस्सा है। इनके प्लान के मुताबिक सऊदी अरब की इकोनॉमी को ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से फ्री करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तेल एक समय में खत्म हो जाने वाला रिसोर्स है। इस पूरे इको सिटी को डेवलप करने वाले डेवलपर्स के मुताबिक ये शहर लगभग 26,500 वर्ग किलोमीटर यानी करीब इसराइल और फिलिस्तीन जितने बड़े इलाके में फैला होगा। बेशक ये हैरान कर देने वाली बात है, साथ ही साथ इस शहर में सऊदी अरब का जुडिशियल सिस्टम भी काम नहीं करेगा, बल्कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने वाले इसके लिए खुद ऑटोनोमस लॉ मैनेजमेंट तैयार करेंगे। ये बात काफी अजीब लगी, यानी एक तरह से इस बात का भी डर रहेगा कि दूसरा नॉर्थ कोरिया ना बन जाए। 170 किलोमीटर की एक सीधी लाइन में फैला ये शहर द लाइन सऊदी अरब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक अलग देश है। यूएई के मास्डर से इसकी दूरी करीब 2400 किलोमीटर है। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताएं तो एक ऐसा शहर होगा जहां हर सुविधा 5 मिनट की वॉक के अंदर मिल जाएगी। ये एक ऐसा शहर होगा जहां कोई सड़क नहीं होगी, कोई गाड़ी नहीं चलेगी, कोई और नहीं बजेगा, यानी कोई पोल्यूशन नहीं होगा। एक ऐसा शहर जो पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेगा, जो हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा और फ्यूचर की दुनिया के लिए नींव रखेगा। मसदार में बड़े बड़े सोलर पैनल रेगिस्तान में लगे हैं, जिससे शहर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी और यहाँ बिजली के लिए कहीं भी कोयला, डीजल और बायोफ्यूल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इस शहर में ऐसी स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी जिनमें सेंसर होगा, यानी रात होते ही लाइट्स अपने आप जल जाएंगी और दिन होते ही बंद हो जाएंगी। इनमें सोलर अम्ब्रेलाज लगे होंगे जो लाइट जलने के लिए रिक्वायर्ड पावर का अरेंजमेंट करेंगे। साथ ही शहर में ट्रांसपोर्ट के लिए पॉड्स दौड़ते हैं, यानी छोटी छोटी टैक्सीनुमा गाड़ियां, इनमें कोई ड्राइवर नहीं होता। एलेक्सा या सीरी की तरह आप बोल दीजिए कि फलां जगह जाना है, ये पॉड आपको वहां पहुंचा देगा। सुनने में ये प्रोजेक्ट भले ही इम्पॉसिबल लगे, लेकिन अली शियाबी कहते हैं कि द लाइन को कई स्टेप्स में बसाया जाएगा। अपने एक बयान में उन्होंने कहा था कि लोग कहते हैं कि प्रोजेक्ट पागलपन है, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन इसे चरणबद्ध तरीके से बनाया जा रहा है। आइए जानते हैं कि कितनी लेयर्स से बनेगा ये शहर। सऊदी सरकार ये क्लेम करती है कि ये शहर 3 लेयर में बसा होगा। सबसे ऊपर होगी असली जमीन यानी मिट्टी, जो कि पेड़ पौधों से भरी होगी पैदल चलने के लिए, नेचर की रियल फीलिंग के लिए। उनका कहना है कि यहाँ कोई व्हीकल नहीं होगा सिवाय साइकिल के। सबसे नीचे वाली लेयर में मेट्रो चलेगी। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो नीचे जाएं, मेट्रो पकड़ें और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचें। ये मेट्रो तेज भी होंगी क्योंकि ये सीधी लाइन में चलेंगी। बीच वाली लेयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए होगी, जिसे सर्विस लेयर कहा जाएगा। इस लेयर में बसें होंगी, ट्रैवल के लिए अदर फैसिलिटीज होंगी, यानी ऑफिस जाना है तो इस लेयर में आए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करें।
ये शहर आपको भी अभी किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा होगा ना। कहा जाए तो ये शहर स्पेन में बार्सिलोना के ट्रैफिक फ्री सुपर ब्लॉक्स की तरह ही होगा। सऊदी सरकार के अकॉर्डिंग हर सेक्शन अपने पर ही डिपेंडेंट होगा। इस प्रोजेक्ट को विकसित करने वालों का दावा है कि जब ये शहर पूरा बस जाएगा तब यहाँ के एक छोर से दूसरे छोर तक की यात्रा हाइपर स्पीड ट्रेनों के जरिए पूरी की जाएगी, जिसमें सबसे लंबी यात्रा करने पर भी 20 मिनट से अधिक नहीं लगेगा। अब जैसा कि शहर रेगिस्तान के बीच में बसा है तो सवाल आता है कि खाने की सप्लाई कैसे होगी। हालांकि सऊदी अरब की वेबसाइट का दावा है कि नियोम दुनिया का सबसे अधिक फूड सेल्फ सफिशिएंट शहर होगा और यहाँ वर्टिकल फार्मिंग करके फूड स्टफ्स और प्रोडक्शन किया जाएगा। ये सऊदी अरब के लिए बड़ी बात होगी क्योंकि फिलहाल ये देश अपने मील का लगभग 80% हिस्सा इम्पोर्ट करता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या फूड प्रोडक्ट्स का लोकली प्रोडक्शन हमेशा होते रह पाना पॉसिबल है। खैर, नियोम प्रोजेक्ट के सपोर्टर्स का कहना है कि नए सिरे से शुरुआत करके पवन और सौर ऊर्जा पर निर्भर एक स्मार्ट और टिकाऊ शहर बनाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ शहर में पानी की जरूरत सी वाटर को साफ करके पूरी की जाएगी, लेकिन इसमें भी कार्बन का एमिशन जीरो होना चाहिए, वरना इको फ्रेंडली सिटी के दावे दावे ही रह जाएंगे। नियोम के एडवाइजर बोर्ड के मेंबर अली शियाबी का कहना है कि सऊदी अरब को कुछ क्रिएटिव सोचने की जरूरत है क्योंकि मिडिल ईस्ट में अब पानी खत्म हो रहा है। सऊदी अरब का आधा पानी समुद्र जल को साफ करके आता है, लेकिन इसके लिए काम करने वाली मशीनें कन्वेंशनल फ्यूल से चलती हैं। ये प्रोसेस न केवल महंगा है बल्कि पानी साफ करने के बाद नमक और टॉक्सिक केमिकल्स का मिक्स भी निकलता है, जिसे वापस समुद्र में फेंक दिया जाता है, और ये केमिकल समुद्र में रहने वाले क्रिएचर्स के लिए खतरनाक होता है। नियोम प्रोजेक्ट के अंदर पानी साफ करने के पूरे प्रोसेस को बदलने का दावा किया जा रहा है। इसके लिए ना सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होगा बल्कि इस दौरान बचने वाले नमक और केमिकल का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स के तौर पर किया जाएगा। हालांकि इस प्रोसेस में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अभी तक पानी साफ करने वाले प्लांट्स को रिन्यूएबल एनर्जी के सपोर्ट से चलाने की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी है। वैसे नियोम प्रोजेक्ट किसके लिए, इससे जुड़े कई सवालों के जवाब दिए जाने बाकी हैं। नियोम प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए जाने वाले शहर में साल 2030 तक 3.80 लाख नौकरियां पैदा करने का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा शहर में अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांजिट और ऑटोनोमस मोबिलिटी सॉल्यूशन का यूज किया जाएगा। इसराइल और जॉर्डन के पास लाल सागर के तट पर बसा ये नियोम इलाके का शहर वाकई कबाल के कुदरती नजारों वाला शहर होगा, क्योंकि यहाँ समुन्दर है, पहाड़ है, रेगिस्तान है और भरपूर गुंजाइश है ऐसा शहर बनने की जहाँ मुंबई की तरह चौल ना हो, न्यूयॉर्क जैसे जाम ना लगते हो, बीजिंग जैसी दौड़ती जिंदगी ना हो, टोक्यो जैसी आपाधापी ना हो। शहर का दावा तो सुंदर है, लेकिन शहर कैसा होगा ये तो साल 2030 तक पता चलेगा। इसके लिए सऊदी सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जमकर हो रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या होंगे ये अभी तक नहीं कहा जा सकता। 3 लेयर में शहर बनाना कितना बेहतर आइडिया है, इस पर भी शायद आने वाले वक्त में अपनी तरह की बहस हो। नतीजा क्या होगा नहीं पता, लेकिन इतना जरूर तय है कि पृथ्वी पर लिमिटेड रिसोर्सेज है और आबादी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में शहरों के करंट फॉर्म को बदलने की जरूरत तो है। तो दोस्तों, ये थी द लाइन शहर के बारे में पूरी जानकारी। आपका क्या ख्याल है, ये शहर कितना सक्सेसफुल हो पाएगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।